जय श्री कृष्ण बच्चों, आज जो है हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम इसोफेगस है। ये देखिए इसोफेगस है, अगर आपने पिछली क्लास को देखा होगा तो ये देखिए ये ह्यूमन का एक ट्रैक्ट है जिससे वो खाना खा रहा है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल है। ये उसका माउथ वाला एरिया है ये ऐसे, और अगर आप देखें तो ये इसका आगे वाला जो पोर्शन है ये इसे का ट्रेकिया है जिसे विंड पाइप कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये इसका ट्रेकिया है जिसे विंड पाइप कहते हैं, जिससे एयर फेफड़ों में जाती है, और ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसे हम लोग इसोफेगस कहते हैं। मतलब इसोफेगस जो है पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर साइड में है ये देखिए, और ये इसोफेगस की जो ओपनिंग है इसे हम लोग गलेट कहते हैं। ये इसोफेगस आगे जाके जे शेप्ड एक ग्लैंड है उसमें खुल जाता है ये देखिए। अगर तो अगर आप इसोफेगस देख रहे हैं तो इसोफेगस के बारे में लिखना चाहिए, इस इसोफेगस को हम लोग एक तो कहते हैं फूड पाइप, ये देखिए इसे फूड पाइप कहते हैं। ये फेरिंग से स्टार्ट होती है और स्टमक में ओपन होती है। ये तीन लोगों को पास करती है, एनसीईआरटी ने तीन लोगों को लिखा हुआ है। तो एक तो पास करते हैं, इट पासेस थ्रू, अगर आप देखें इट पासेस थ्रू तीन लोगों को। पहला ये नेक को पास करती है, याद रखना है एनसीईआरटी लिखा हुआ तो याद कर लेना है, इट पासेस थ्रू नेक। दूसरा थोरेक्स चेस्ट को पास करती है, एंड तीसरा जो है एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये डायफ्राम को पास करती है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप फट से जवाब देंगे कि सर देखिए ये इसे फूड पाइप कहते हैं, और ये फूड पाइप जो है तीन लोगों को पास करते हुए एब्डोमेन में जाके खुल जाती है। किसी किसी पास करती है, नेक को पास करती है, थोरेक्स को पास करती है, और डायफ्राम को पास करती है। यहाँ का जो फूड है, यहाँ का जो पीएच है वो 1.8 है, यहाँ माउथ का पीएच जो है वो 6.8 है। तो यहाँ से जो खाना इस फूड पाइप से इस स्टमक में आता है उस खाने को हम लोग बोलस कहते हैं। मतलब बोलस वो फूड है जिसका पीएच 6.8 है, और ये खाना जब हम निगलते हैं स्वालोड करते हैं तो इसी फूड पाइप से या इसोफेगस से ये मतलब इंटर करता है। अगर आप इसोफेगस का देखेंगे तो 1/3 पार्ट जो अपर थर्ड 1/3 पार्ट है वो वॉलंटरी है, मिडिल का 1/3 जो बीच का पार्ट है वो इनवॉलंटरी है, और लास्ट का जो पार्ट है वो क्या कहते हैं वो वॉलंटरी होता है। मतलब ऊपर और नीचे वाले वॉलंटरी होते हैं, बीच में इनवॉलंटरी होता है। गाय भैंस के केस में, मतलब जो कैटल्स हैं उनके केस में जो इसोफेगस होता है ये पूरा का पूरा वॉलंटरी होता है, इसीलिए उनके स्टमक में जो फूड होता है वो बैक करके फिर से उसको जो है ले जाते हैं और यहाँ पर माउथ में बैक करते हैं। एक बात यहाँ और देखें कि इसोफेगस के पास कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन इन इसोफेगस। जो इसोफेगस है इस इसोफेगस में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई उस तरह की खास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पड़ी हुई हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि माउथ से जो फूड स्टमक के लिए आ रहा है उस फूड का पीएच कितना है, 6.8 है। 6.8 के इस फूड को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टमक है आपके यहाँ। स्टमक अगर आप देखें तो ये जो है जे शेप्ड बैग जैसा स्ट्रक्चर है। मतलब अगर स्टमक का आपको शेप देखना है तो ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब स्टमक का शेप जे शेप्ड है। और स्टमक जो है दूसरा पार्ट की बात ले सकते हैं कि मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। हमारी इंटेस्टाइन का मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक चलती है जिसमें सबसे जो वाइड पार्ट है वो स्टमक होता है। ह्यूमन में टू स्टमक है, टू स्टमक उसे कहते हैं जिसमें एसीएल का सिक्रीशन होता है। तो अगर आप स्टमक के पार्ट देखते हैं, भाई स्टमक के पार्ट कितने हैं, तो इस स्टमक के पार्ट चार होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो देखिए
पहला पार्ट होता है जिसे हम लोग कार्डिया कहते हैं, ये देखिए। दूसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग पाइलोरस कहते हैं, ये। तीसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग बॉडी कहते हैं, और चौथा पार्ट होता है जिसे हम लोग फंडस कहते हैं। कार्डिया, ये देखिए, चार पार्ट हो गए, कार्डिया, पाइलोरस, फंडस बॉडी और ये चार, कार्डिया, पाइलोरस बॉडी और फंडस। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐसे यहाँ ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे स्टमक है, जे शेप्ड स्टमक है। जब इम्पटी रहता है तो ये जे शेप्ड होता है। अब आपको इसमें और भी बातें सीखनी है। सबसे पहले आप ये सीखिए कि कार्डिया वो जगह है जहाँ पर इसोफेगस खुलता है, मतलब इसोफेगस जिस जगह पर खुलता है इस जगह को कार्डिया कहते हैं। कार्डिया के बाद वाला ये एरिया जहाँ स्टमक थोड़ा सा मतलब वाइड होना चाहता है, इस एरिया को हम लोग पाइलोरस कहते हैं। फिर से आप समझ लें, कार्डिया वो पार्ट है जहाँ स्टमक खुलना चाहता है, पाइलोरस वो पार्ट है जहाँ पर थोड़ा सा वाइडनिंग शुरू हो रही है। ये इसका जो सबसे मोस्ट वाइड पार्ट है, ये वाला आप जो देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग बॉडी कहते हैं। ये देखिए, इसका सबसे नीचे जहाँ पर ये नैरो हो रहा है, ड्यूडेनम शुरू हो रहा है, इस पार्ट को हम लोग पाइलोरस कहते हैं। और अगर आपसे पूछो ये कौन सा पार्ट है, आप कहेंगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है जिसे हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। तो अब स्टमक के टोटल पार्ट हो गए चार। इसोफेगस जहाँ खुल रहा है उसे कार्डिया कह रहे हैं, कार्डिया के आगे थोड़ा सा जब स्टमक हल्का सा वाइड होता है उसे पाइलोरस कहते हैं। नीचे का जो पार्ट है, बीच का जो स्वेलन पार्ट है, उसे बॉडी कहते हैं। और सबसे नीचे का पार्ट होता है जिसे हम लोग पाइलोरस कहते हैं। तो ये एक पार्ट ये हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, चार। अब आपको इस स्टमक में दूसरी बात करनी है, स्फिंक्टर की बात करनी है कि भाई स्टमक में स्फिंक्टर्स कौन से होते हैं। स्फिंक्टर खास तरह की मसल्स होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स की बनी होती चीजें होती हैं। तो पहला स्फिंक्टर यहाँ होता है, इस जगह पर, जो आने वाले खाने को आने तो देता है लेकिन उसे लौटने नहीं देता है। इस स्फिंक्टर का नाम अगर आप देखें, क्योंकि कार्डिया वाले रीजन में है इसलिए इस स्फिंक्टर का नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। ये देखिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्फिंक्टर कितने हैं, तो आप पहले कहेंगे सर देखिए जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो लिखा है कि ये गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर नाम लिखा है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसी का नाम है दूसरा नाम है, ये देखिए इसका दूसरा नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, ये है कार्डियक स्फिंक्टर। तो अगर आपको इसका फंक्शन समझना है तो आप समझें कि जो फूड स्टमक मतलब माउथ से फूड स्टमक में आ रहा है जिसे हम बोलस कह रहे हैं, वो आ तो जाता है लेकिन लौटने नहीं पाता है। देखिए छोटे बच्चों में ये स्फिंक्टर डेवलप नहीं होता है, ये जो ये वाला स्फिंक्टर है, इसलिए जो पेट में चीजें होती है अगर आप पेट पे हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये स्फिंक्टर न डेवलप होने से सारा फिट्स मटेरियल बाहर चला जाता है। छोटे बच्चों को भी आप पेट दबा के देखें, ये स्फिंक्टर डेवलप नहीं होता है। अच्छा, इसका नाम देखें, ये गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, गैस्ट्रो टर्म स्टमक के लिए लगता है, इसोफेजियल मतलब इसोफेगस के लिए। ऐसा स्फिंक्टर जो पेट और इसोफेगस के बीच में है उसे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, वह कार्डियक रीजन में है इसलिए इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। इसका दूसरा जो स्फिंक्टर है उस स्फिंक्टर का नाम अगर आप देखें तो इसका जो दूसरा स्फिंक्टर है उसे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये देखिए, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है, खाना जब तक प्रॉपर फूड की मिक्सिंग नहीं हो जाती है तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर इस रीजन में होता है, यहाँ पर इस रीजन में है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जब तक फूड की मिक्सिंग नहीं हो जाती है तब तक ये स्फिंक्टर इस खाने को आगे जाने नहीं देता है। तो ये आने देता है, और यहाँ का जो पीएच है स्टमक का कितना है, 1.8 है। इस पीएच पर जो है ये काम कर रहा है, तो खाना आएगा, यहाँ पर इसकी मिक्सिंग होगी, जब प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी ये स्फिंक्टर खुलेगा तब खाना आगे जाएगा। इसके बाद आपको ये देखना है कि इस स्फिंक्टर यहाँ जो स्टमक है, इस स्टमक की म्यूकोसा में, इस म्यूकोसा में इरेगुलर फोल्डिंग्स होती हैं, म्यूकोसा में इरेगुलर फोल्डिंग्स होते हैं, इरेगुलर फोल्डिंग्स होती हैं, और इन इरेगुलर फोल्डिंग्स को हम लोग बायो की भाषा में रूजी कहते हैं, मतलब म्यूकोसा की जो इरेगुलर फोल्डिंग्स है उन्हें रूजी कहते हैं।
ये देखिए यहाँ पर बिलाई एब्सेंट होती है, मतलब स्टमक में बिलाई आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगी, यहाँ पर बिलाई एब्सेंट होती है। तीसरी बात जो आपको स्टमक के बारे में देखना है, ये देखना है कि मस्कुलरिस जो है, मस्कुलरिस जो लेयर है, जो मसल्स की बनी हुई लेयर है, ये मस्कुलरिस यहाँ पर सबसे थिकेस्ट होती है, मतलब स्टमक में सबसे मोटी होती है, थिकेस्ट होती है, इसलिए स्टमक में मैक्सिमम पेरिस्टल्सिस पाई जाती है, मैक्सिमम पेरिस्टल्सिस पाई जाती है। ये देखिए मैक्सिमम पेरिस्टल्सिस पाई जाती है, और सबसे कम पेरिस्टल्सिस जो पाई जाती है वो रेक्टम में पाई जाती है। पेरिस्टल्सिस क्या है, खास तरह का मूवमेंट है, मसल्स के कारण मूवमेंट होता है। इस इंटेस्टाइनल वाल में चार तरह की दीवारें हैं, आपने पढ़ा होगा म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर सिरोसा, यहाँ पर मस्कुलरी सबसे मोटी होती है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम पेरिस्टल्सिस पाई जाती है इस स्टमक वाले रीजन पे, ये समझना है आपको। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख लें ये स्फिंक्टर दोनों है, ये कार्डियक स्फिंक्टर है जो फूड तो आने दे रहा है, लौटे नहीं दे रहा है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जब फूड की प्रॉपर मिक्सिंग होती है तब इसको आगे जाने देता है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले स्टमक पढ़ाया है, ग्लैंड्स का डिस्कशन बाद में किया है, तो हम लोग भी ग्लैंड्स का डिस्कशन बाद में कर लेते हैं। स्टमक के बाद जो अगला पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, आपने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग ड्यूडिनम कहते हैं, इसका जो शेप है वो सी शेप्ड होता है। इस ड्यूडिनम में आप ये समझें, ये जो ड्यूडिनम है इसका शेप जो है सी शेप्ड होता है, और इस स्टमक में अगर आप देखें तो ड्यूडिनम में इस तरफ से पैंक्रियास खुलती है, मतलब एक पैंक्रियास आपने पढ़ा होगा एक मिक्स ग्लैंड होती है, तो यहाँ से पैंक्रियास खुलती है, और जब पैंक्रियास खुलती है तो ऊपर से लीवर से बाइल डक्ट लेयर की भी खुलती है, हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड से पढ़ेंगे इसे। अब ये ड्यूडिनम आगे चल के इसे हाईली क्वाइल्ड हो जाता है, ये देखिए क्वाइल्ड हो जाता है, हाईली क्वाइल्ड तो नहीं लिखा गया है, ये देखिए ये ड्यूडिनम आगे चल के ऐसे क्वाइलिंग शुरू कर देता है, क्वाइलिंग से इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये जो क्वाइलिंग वाला पार्ट है इस पार्ट को हम लोग जेजुनम कहते हैं, ये देखिए इस पार्ट को हम लोग जेजुनम कहते हैं, जो इसका क्वाइल्ड पार्ट है। तो जो जेजुनम है ये लार्ज क्वाइल्ड पार्ट है, तो ड्यूडिनम के बाद जो दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं जेजुनम। ये देखिए ये जेजुनम है, अगर इसके बारे में लिखा जाए तो ये जेजुनम जो होता है, इसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा है भाई ये देखिए लार्ज साइज्ड है, मतलब बड़े साइज का है, लार्ज साइज्ड, और ध्यान रखें क्वाइल्ड पार्ट, लार्ज साइज्ड क्वाइल्ड पार्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जिसका साइज ज्यादा है और हाईली क्वाइल्ड है। जब जेजुनम के बाद ये नीचे आप देखेंगे इसका अगला जो पार्ट होता है उसे इलियम कहते हैं, ध्यान रखें इस इलियम की स्पेलिंग आई एल ई है। तो अगर आप इलियम देख रहे हैं, यहाँ पर आप इलियम लिख लें, इलियम का डिस्कशन कर लें, एनसीईआरटी ने कहा इलियम जो है हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, मतलब इलियम जो है वो हाईली क्वाइल्ड पार्ट है। इसी इलियम में पेयर पेचेस ऑफ इंटेस्टाइन पाए जाते हैं जो डिफेंस का काम करते हैं। आपको ध्यान रखना है ड्यूडिनम सी शेप्ड है, ड्यूडिनम लार्ज साइज क्वाइल्ड है, हाईली क्वाइल्ड नहीं है, जबकि जो इलियम होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है, ये लिखा हुआ है इन्होंने। इस इलियम के बाद यहाँ पर एक खास तरह का स्ट्रक्चर है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम लोग कहते हैं बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये देखें ये स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये एक पार्ट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, और इसके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद इंटेस्टाइन का वो एरिया शुरू होता है जिसे हम लोग सीकम कहते हैं, ये सीकम कहते हैं। तो इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडिनम का शेप सी शेप्ड है, जेजुनम का शेप लार्ज साइज क्वाइल्ड पार्ट है, इलियम हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, ये आपको सीखना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इसके बारे में आपको देखना है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक स्ट्रक्चर है, अभी वर्तमान में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका जिक्र 11th और 12th दोनों में है। तो सबसे पहले अगर आपको इसका शेप कोई पूछे तो आप बोलिए सर ये फिंगर शेप्ड होता है, जैसे फिंगर होती है, एनसीईआरटी लिखा है भाई इसका शेप फिंगर शेप्ड है, ये पहला कमेंट लिखा है कि फिंगर शेप्ड है, तो शेप आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा आप देखिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन उन ऑर्गन्स को कहते हैं
जो इनके फंक्शंस पहले एक्टिव थे अब काम नहीं कर रहे हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन इसलिए है, अवशेषी अंग है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये पहले हम बॉडी हम लोगों में सेलेज एंजाइम निकालता था। सेलेज एंजाइम मतलब ये सेलेज एंजाइम का सिक्रीशन करता था और उससे फूड का डाइजेशन होता था जब हम पेड़ों पे रहते थे। अब हमें ह्यूमन में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। तो ये वर्मी फॉर्मेंटिक्स वर्मी ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, फिंगर शेप्ड है। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस जब इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और डॉक्टर जब इसे कट करके बाहर कर देता है तो इस विधि को, इस मेथड को हम लोग अपेंडिक्टोमी कहते हैं। अपेंडिक्टोमी मतलब क्या हुआ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वर्मी फॉर अपेंडिक्स। इसके साथ साथ एक बात अगर आपसे याद हो जाती याद कर लें, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी है। मतलब आपको इसके बारे में टोटल क्या क्या बात याद करनी है मैं सब लिख देता हूँ। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, आप ऐसे कह सकते हैं कि सर देखिए शेप तो इनिशियली लिखा है फिंगर शेप्ड है। वेस्टिजियल ऑर्गन इसलिए है कि पहले हम लोगों में किसका सिक्रीशन करते थे, सेलेज का। अब इसके सिक्रीशन क्या किया है, बंद कर दिया है, इसलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन है जहाँ पेड़ों पर रहते थे। वर्मी फॉर्म जब भी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसको डॉक्टर जब कट करके निकाल देता है तो इसे अपेंडिक्टोमी कहते हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहा जाता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपको ये देखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है। आइए देखा जाए, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका भी डिस्कशन हो जाए। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है उसका पार्ट का नाम सीकम है। ये देखिए सीकम है, सीकम के बारे में लिखा है कि इसका जो शेप है वो ब्लाइंड सैक है। याद कर ले, सबके शेप अलग अलग एनसीईआरटी लिखे हैं। तो जो सीकम का शेप है वो कैसा है, ब्लाइंड सैक है। इट होस्ट, इसके पास सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हुई है, एक्चुअली ये बात हुई है मिथेनोजेंस की। रैबिट के केस में जो रैबिट होता है, रैबिट के केस में आप ये देखें, सिल्लोज का डाइजेशन शीकम में होता है कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से। ये देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं रैबिट केस में, और यहाँ पर सिल्लोज का डाइजेशन होता है, इसीलिए इसका यहाँ लिखा गया है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यहाँ पर रहते हैं। सीकम के बाद जो अगला पार्ट है कोलन का पार्ट है। ये देखिए ये कोलन का पार्ट है, अगर आप देखें तो ये असेंडिंग कोलन है, ये आपने पढ़ा होगा। ये इसे मूव कर जाता है तो इसे ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। ये देखिए ये डिसेंडिंग कोलन है जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये सिग्मॉइड कोलन है, फिर ये कोलन ऐसे रेक्टम में खुलता है और रेक्टम फाइनली एनस में खुल जाती है। ऐसे दिखती है हमारी इंटेस्टाइन। तो अगर आपको कोलन के बारे में लिखना है तो इस कोलन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, इस बैक्टीरिया का नाम एस्चेराइसिया कोलाई है। कोलाई कोलन में पाया जाता है, शायद इसके इसका नाम कोलाई रखा गया होगा। ये एस्चेराइसिया कोलाई जो है सिम्बायोटिक होता है, हमारे लिए विटामिन का प्रोडक्शन करता है। कोलन जो होता है इसके आपने भी पढ़ा, चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई देखिए एसेंडिंग कोलन है, दूसरा जो है वो ट्रांसवर्स कोलन है। ये ट्रांसवर्स कोलन है, एसेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, फिर ये देखिए नेक्स्ट जो कोलन है वो डिसेंडिंग कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है। चौथा जो कोलन है, एनसीईआरटी इसका फिगर बनाया है, लिखा नहीं है, इसे हम लोग सिग्मॉइड कहते हैं या इसे हम लोग पेल्विक कोलन कहते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पार्ट है कोलन के बाद रेक्टम का पार्ट है। तो रेक्टम क्या करता है, इट स्टोर्स फीसेस, ये फीसेस को स्टोर करता है, हिंदी में इसे मलाशय कहते हैं। ये देखिए स्टोर्स फीसेस, फीसेस को स्टोर करता है, और इस रेक्टम में हमारी पूरी इंटेस्टाइन की मिनिमम पेरिस्टल्सिस पाई जाती है। मिनिमम पेरिस्टल्सिस इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मसल्स क्लियर है वो मसल्स क्लियर सबसे थिन होती हैं,
और एक टर्म फाइनली किस में खुल जाता है, एनस में खुल जाता है और एनस से फिर फीसेस बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ये है हमारे इंटेस्टाइन की टोटल लोकेशन। आपको शेप याद करना है कि ड्यूडेनम का शेप सी शेप्ड है, स्टमक का शेप्ड जी शेप्ड है, ड्यूडेनम लार्ज क्वाइल्ड है, सिर्फ क्वाइल्ड है, जबकि इलियम हाईली क्वाइल्ड है। इलियम सीकम के बीच में जो वाल्व होता है उसे इलियोशीकल वाल्व कहते हैं। आप इसे याद कर लें, एक वाल्व होता है जिस वाल्व का नाम क्या है, इलियोसीकल वाल्व। अब खुद ही बता रहा है किसके किसके बीच में है इलियोसीकल वाल्व, किसके किसके बीच में होगा, इलियम और सीकम के बीच में होगा। ये देखिए इलियोसीकल वाल्व। और फिर ये मैंने भी आपको बता ही दिया यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है, इसे हम लोग रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम फाइनली किसमें खुल जाता है, रेक्टम फाइनली खुल जाता है एनस में। सीकम ब्लाइंड शैक है, कोलन में सेराइजा कोलाई पाया जाता है जो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है। कोलन के चार पार्ट हैं, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्माइड कोलन लिखा नहीं गया, केवल एनसीईआरटी में बना रखा है फिगर में। रेक्टम जो है फीसेस को स्टोर करता है। रेक्टम में सबसे कम पेरिस्टल्सिस पाई जाती है, सबसे ज्यादा पेरिस्टल्सिस स्टमक में पाई जाती है। रेक्टम फाइनली एनस में खुलता है और ये एनस से फीसेस बॉडी से बाहर आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब आइए हिस्टोलॉजी देखते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल नेक्स्ट टॉपिक है, इसको अच्छे समझ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हिस्टोलॉजी माने टिश्यू की स्टडी होती है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो इंटेस्टाइन है उसमें जो टिश्यूज हैं उनकी स्टडी क्या है, कितनी लेयर पाई जाती है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्री कैनाल की जो वाल होती है, जो वाल है एलिमेंट्री कैनाल में, उसमें चार लेयर पाई जाती है। सारे लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहली जो लेयर होती है उसे म्यूकोसा कहते हैं, ये देखिए। दूसरी जो लेयर होती है उसे हम लोग सब म्यूकोसा कहते हैं, ये। तो सबसे अंदर वाली जो होती है उसे हम लोग म्यूकोसा कहते हैं, जो सबसे उसके बाद होती है सब म्यूकोसा कहते हैं। तीसरी जो लेयर होती है उसे हम लोग मस्कुलेरिस कहते हैं, ये देखिए। और लास्ट की जो सबसे बाहर की बाउंड्री होती है उसे हम लोग सिरोसा कहते हैं। मतलब आउटर लेयर सिरोसा है, इनर लेयर म्यूकोसा है। तो अगर हम बाहर से अंदर देखें तो म्यूकोसा, ये देखें म्यूकोसा है, फिर अगर हम देखें सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा है। और अगर हम अंदर से बाहर की तरफ देखें तो म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, मस्कुलेरिस है, सिरोसा है। ये चार लेयर्स एलिमेंट्री कैनाल की जो वाल बना रही है। तो अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे, ये देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन है। ल्यूमेन वो एरिया होता है जिससे फूड पास कर रहा है। मतलब अगर ये एलिमेंट्री कैनाल है तो हमने इसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हुआ है। तो अगर आप इसमें देखें तो इस ल्यूमेन में हमने फट से खींच दिया, लेकिन इसमें भी हमने गड़बड़ की। हमें सबसे पहले जब ल्यूमेन बना ही रहे हैं तो इसमें विलाई दिखानी चाहिए। ये देखिए सबसे पहली लेयर है जिसे हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। ये मतलब एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर की लेयर को हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। ये तो इसकी जो अंदर की कैविटी उसे ल्यूमेन कहते हैं, और जो सबसे अंदर की दीवार है जिसके बगल से फूड पास कर रहा है उसे म्यूकोसा कहते हैं। ये पहली लेयर बन गई। म्यूकोसा के बारे में क्या क्या जानकारी, मैं आपको पूरी जानकारी देंगे। तो म्यूकोसा के बारे में आप कितना समझ लें, अगर हमको म्यूकोसा लिखना हो, मतलब अभी के लिए लिखना हो, तो म्यूकोसा जो है एक तो सबसे इनर लेयर है। आप लिख सकते हैं सर ये इनर लेयर है म्यूकोसा, और इनर लेयर है पहली बात। और दूसरा अगर इसके बारे में म्यूकोसा के बारे में देखा जाए तो ये एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है। ये चारों जो लेयर आप देख रहे हैं ये मॉडिफाइड इन एवरी एरिया, हर एरिया में ये अलग अलग होती है। तो म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर है, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। इस म्यूकोसा में अगर देखा जाए तो गॉबलेट सेल पाई जाती है। ये गॉबलेट सेल म्यूकस का सेक्रेशन करती है, ये देखिए। और म्यूकस जो होता है फूड का लुब्रिकेशन करता है। फूड का क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है। अब आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि सबसे अंदर की लेयर का नाम म्यूकोसा है, जो एपिथेलियल सेल्स की बनी है। जो गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल्स में पाई जाती है पूरी म्यूकोसा में पाई जाती है, जो म्यूकस सेक्रेट करती है और लुब्रिकेशन का काम करता है। एक चीज आपको यहाँ पर और भी समझनी है कि इस म्यूकोसा के अलग अलग फार्म अलग अलग जगहों पे हैं।
मतलब ये मिगोसा एक जैसी नहीं है, जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो सारी, या ग्लैंड्स सारी की सारी ग्लैंड्स म्यूकोसा में पड़ी होती हैं। जितनी भी ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट इन म्यूकोसा, जितनी भी ग्लैंड्स हैं सबके सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं, प्रेजेंट इन म्यूकोसा। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल है, इसका एक्सेप्शन ये है कि एक ग्लैंड है जिसका नाम है ब्रूनर ग्लैंड, ये ब्रूनर ग्लैंड सब म्यूकोसा में पाई जाती है। मतलब आपको ये बात समझनी है कि सारी की सारी ग्लैंड्स म्यूकोसा में पाई जाती हैं, लेकिन जो ब्रूनर ग्लैंड है वो सब म्यूकोसा में पाई जाती है। किसके सब म्यूकोसा में पाई जाती है? ये ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में पाई जाती है। तो म्यूकोसा सबसे अंदर क्लियर है, डिटेल और पढ़ेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुई है। एपिथेलियल सेल्स की बनी है, गॉबलेट सेल में जो है इसे म्यूकस का सेक्रेशन करती है और ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होती है म्यूकोसा में अलग अलग। अगर हम म्यूकोसा के बाद जो दूसरी लेयर उसे देखें, म्यूकोसा के बाद जो दूसरी लेयर है उसका नाम सब म्यूकोसा है। तो अब सब म्यूकोसा को अगर आप देखें, दूसरी जो लेयर है म्यूकोसा के बाद जो दूसरी लेयर है उसे हम लोग सब म्यूकोसा कहते हैं, ये देखिए। और अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी में देखेंगे तो सब म्यूकोसा को रेड पेन से बनाया गया है ये। तो दूसरी लेयर है, क्योंकि रेड पेन से बनाया गया है इसलिए इसका नाम मैं भी खुद रेड पेन से लिखता हूं, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। सब म्यूकोसा की बात कर लीजिए। तो अगर आप सब म्यूकोसा की बात कर रहे हैं भैया पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, तो दूसरी लेयर है जिसका नाम सब म्यूकोसा है। ये सब म्यूकोसा जो है इसमें जो है ये देखिए ब्लड की सप्लाई है, मतलब सब म्यूकोसा एक लेयर है जिसमें ब्लड की सप्लाई है, नर्व की सप्लाई है, ये देखें नर्व की सप्लाई है, लिम्फ की सप्लाई है, मतलब जितने भी ब्लड की सप्लाई, मुझे लगता है कि जो रेड पेन है इसलिए लिखा गया है क्योंकि सब म्यूकोसा में ब्लड की सप्लाई होती है, इसलिए जो दूसरी लेयर है उसको हम लोग सब म्यूकोसा कहते हैं। अगर आप तीसरी लेयर की बात करें तो तीसरी जो लेयर होती है उस लेयर का नाम मस्कुलेरिस है। तो अगर आप मस्कुलेरिस देखते हैं तो मस्कुलेरिस जो है ये बनी हुई है स्मूथ मसल्स की, मतलब स्मूथ मसल्स की लेयर बनी हुई है, ये बात आपको सीखनी है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। और अगर स्मूथ मसल्स है तो इनके मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टेल्सिस कहते हैं, ये इनके मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। पेरिस्टेल्सिस इंटेस्टाइन का एक मूवमेंट होता है। अगर आप एनसीईआरटी देखे हैं तो इसका, अच्छा इसका वॉलंटरी मूवमेंट नहीं है, इसका इनवॉलंटरी मूवमेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो जो इसकी इनर लेयर होती है वो सर्कुलर होती है और इसकी जो आउटर लेयर होती है आप एनसीईआरटी मिला लेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, मतलब मसल्स की ये दो लेयर है, ये देखिए इनर सर्कुलर है आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। तो एक काम करते हैं इसका भी फिगर हम लोग बना लेते हैं, ये देखिए ऐसे आप खींचिए, इनर सर्कुलर है तो आप उसको ऐसे सर्कुलर टाइप बना दें ताकि आपको याद रहे इस तरह से। यहां लिखें कि सर इसकी जो इनर लेयर है वो सर्कुलर है, ऐसे लिखते हैं आप, ये आउटर जो है इसकी लॉन्गिट्यूडनल है, ये भी आप लिख दें, आउटर कैसी है इसकी लॉन्गिट्यूडनल है। इस मसल की इस लेयर कारण इंटेस्टाइन की वाल में मूवमेंट होता है और इस लेयर का नाम क्या हो गई, मस्कुलेरिस हो गई। ये देखिए ये है मस्कुलेरिस ना, तो इनर सर्कुलर हो गया आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो गया, दोनों मिला के मस्कुलेरिस कहते हैं। और कुछ जगहों पे ऑब्लिक मसल्स भी पड़ी हुई हैं, तो ऑब्लिक मसल्स का लिखा उन्होंने कि ऑब्लिक मसल्स कुछ जगहों पे पड़ी हुई हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो ऑब्लिक मसल्स सबसे कहाँ ज्यादा पाई जाती हैं, आप बताइए सर स्टमक पे पाई जाती हैं। अब क्लियर हो गया कि स्टमक की सब मस्कुलेरिस सबसे मोटी होती है, स्टमक की मस्कुलेरिस सबसे मोटी होती है और रेक्टम की मस्कुलेरिस सबसे पतली होती है, इसीलिए स्टमक में सबसे ज्यादा पेरिस्टल्सिस है और रेक्टम में सबसे कम पेरिस्टल्सिस है। लास्ट लेयर जो बचती है ये देखें, इस लेयर का नाम सिरोसा है, ये अंतिम लेयर है,
ये देखिए सिरोसा, अब टोटल लेयर हो गई चार। ये देखिए सिरोसा जो है आउटर लेयर है और म्यूकोसा इनर लेयर है, ये सीखना है आपको। तो अगर आप देखें तो सिरोसा जो होती है, आप यहां लिख लें सर ये सिरोसा है, सिरोसा के बारे में आप लिखें सर ये आउटर लेयर है, ऐसे आप लिख लें सर ये आउटर लेयर है, ये लिख लिया आपने आउटर लेयर है। और ये सिरोसा जो है बनी है दो चीजों की, एक तो देखिए ये बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यूज की, ये देखिए कनेक्टिव टिश्यूज पड़े हुए हैं सिरोसा में, कनेक्टिव टिश्यूज पड़े हुए हैं, और दूसरा पड़ा हुआ है मेसोथेलियम। ये मेसोथेलियम भी आपको एनसीईआरटी अंडरलाइन करना है कि मेसोथेलियम थिक नहीं है बल्कि ये मेसोथेलियम थिन होता है, ये मेसोथेलियम थिन होता है। तो इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल अगर आप देखें बाहर से तो चार लेयर है, सिरोसा है, मस्कुलरिस है, सबमिकोसा है, म्यूकोसा है। अब आपको ये समझना है भैया कि इसमें स्पेशल क्या है जो स्लिप कर रहा है, जो हमें समझना है। अब हम इन चारों लेयर का जो लेयर आप देख रहे हैं चारों लेयर का, म्यूकोसा का डिटेल मैंने लिख दिया, सबमिकोसा का, मस्कुलरिस का, सिरोसा का। मस्कुलरिस सबसे मोटी कहाँ, स्टमक में, इसलिए वहां पर सब ज्यादा पेरिस्टल्सिस है। और मस्कुलरिस सबसे पतली कहाँ है, रेक्टम में, इसलिए सबसे कम पेरिस्टल्सिस है। अब हम लोगों को सीखना है कि जो ये अंदर है जो म्यूकोसा है इसके अलग अलग मॉडिफिकेशंस को हम लोग अलग अलग जगहों पे कहते क्या है, आइए देखा जाए। बेटा देखो नेक्स्ट हेडिंग मैंने डाल दिया है विलाई, तो विलाई क्या है अगर आप पूछें तो आप कहेंगे सर फोल्डिंग्स है, ये किसकी फोल्डिंग्स है, इंटेस्टाइनल वाल की, फोल्डिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वाल, जो इंटेस्टाइनल वाल है या फोल्डिंग्स ऑफ म्यूकोसा कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कि जो म्यूकोसल वाल है उसी की फोल्डिंग को हम लोग विलाई कहते हैं। विलाई से फायदा क्या है, सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घट जाएगा, आप कहेंगे अरे सर बहुत सिंपल सी बात है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फायदा क्या होगा, आप कहेंगे सर लिखिए ना सिंपल सर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अगर विलाई नहीं होती तो शायद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड उतना फास्ट ना होता जितना होना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ये देखिए, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में विलाई का फिगर देखें तो इसने ऐसे बना रखा है यार, ये देखो ये ऐसे विलाई बना रखा है इस तरह से, ये विलाई है मतलब ऐसे ही फोल्डिंग से इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहली बात देखा जाए विलाई है कहाँ पे, तो अगर हम विलाई देखा जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडनम में है, जेजुनम में है, इलियम में है। सबसे ज्यादा जो बड़ी साइज की होती है वो जेजुनम में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी हुई है। अब इन विलाई के बेस पर दो विलाई के बीच पे यहाँ कट लगा होता है, इस कट को हम लोग पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, ये देखिए पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन, विलाई के बेस पे ये सेक्शन कटे होते हैं जिन्हें पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। इन विलाई के अंदर ऐसे ब्लड की सप्लाई है, तो जो ब्लड की सप्लाई है वो सारी चीजें एब्जॉर्ब करेगी, ब्लड की सप्लाई सारी चीजें एब्जॉर्ब करेगी, बस लिम्फ को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, सॉरी फैट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ब्लड की सप्लाई सारी चीजों को एब्जॉर्ब करेंगी बस वो फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। इन विलाई के बीच बीच में लिम्फ की सप्लाई है, ये देखिए लिम्फ वेसल्स की, लिम्फेटिक वेसल्स की सप्लाई है, ये देखिए ये कौन सी वेसल्स हैं, इन वेसल्स का नाम है लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं इन हम लोग लैक्टियल्स कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं, और इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये फूड का एब्जॉर्प्शन करती है। ये देखिए मतलब लैक्टियल्स अगर आपको कोई पूछे तो आप कहेंगे सर लिम्फ की वेसल्स की सप्लाई जब विलाई होती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं भाई ये लैक्टियल्स जो हैं फैट का, फूड का एब्जॉर्ब, फैट का एब्जॉर्प्शन करेंगे, फूड का सॉरी मैंने लिख दिया, फैट का केवल एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो फैट का एब्जॉर्प्शन विलाई का लैक्टियल्स करते हैं मतलब लिम्फेटिक वेसल्स करती हैं, और फैट को छोड़ के बचे हुए सारी चीजों के एब्जॉर्प्शन ब्लड की सप्लाई करती है, ये भी आपको दिमाग में सेट करना है। इसके सिवा और क्या पढ़ना है, आपको एक चीज और पढ़ना है सकस इंट्रिकस क्या होता है, तो ये भी आप सीख लें। सकस इंट्रिकस एक टर्म है, या इसे को हम लोग दूसरा नाम देते हैं इंटेस्टाइनल जूस,
सकस इंट्रिकल्स या ऐसे के नाम देते हैं कि भाई इंटेस्टाइनल जूस है, ये देखिए। तो सकस इंट्रिकल्स या इंटेस्टाइनल जूस का फॉर्मेशन दो लोग करते हैं। दो लोग कौन कौन से करते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक तो इसे करती है ब्रस वॉर्डर सेल, ब्रस वॉर्डर सेल। म्यूकोसा में एक सेल बड़ी है जिसका नाम ब्रस वॉर्डर सेल है, और दूसरी करती है इसे गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल निकालती है म्यूकस, ये देखिए, और इन दोनों के सिक्रीशन से गॉबलेट सेल का रिलीज करते हैं म्यूकस, ब्रस वॉर्डर सेल से क्या रिलीज होता है एंजाइम्स। इन दोनों के सिक्रीशन को मिला के हम लोग सकस इंट्रिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सकस इंट्रिकस कहते हैं, या इसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी में आपको यही पढ़ना था कि टोटल जो मतलब एलिमेंट्री कैनाल है उसके चार पार्ट हैं। अंदर से बाहर की तरफ देखा जाए तो पहला अंदर वाला म्यूकोसा है, फिर सब म्यूकोसा है, फिर मस्कुलरिस है, फिर सिरोशा है, ये सारे वाल हैं। सबकी हिस्टोलॉजी, सबकी टिश्यू की स्टडी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब आइए हम लोग ग्लैंड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का है। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आप देखते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो उससे कनेक्टेड है। एक पहली का डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसे हम लोग सेलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड है, मतलब जुड़ी हुई है। दूसरी जो है वो लीवर है, ये भी एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई है। और तीसरी जो है वो पैंक्रियास है। अब इन तीनों में अगर देखा जाए तो लीवर से किसी भी एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। आप याद रखना है कि लीवर स्यूडो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पैंक्रियास मिक्स ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो अगर हम लोग सलाइवरी ग्लैंड की बात करें कि भाई सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रही है, तो आप ऐसे लिखिए, ये सलाइवरी ग्लैंड लिखिए कि सर ह्यूमन में ये थ्री पेयर है। अगर हम लोग मनुष्य की बात करें तो थ्री पेयर है ह्यूमन के केस में, मतलब मनुष्य में तीन जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। तीन जोड़ी कौन कौन सी हैं? अगर आप नाम देखना है तो जो पहली है उस ग्लैंड का नाम पैरोटिड ग्लैंड है। ये देखिए, ये पहली ग्लैंड है जिसका नाम पैरोटिड ग्लैंड है। अगर आप एनसीईआरटी में फिगर देखेंगे तो ये जो है चीक पे पाई जाती है, यहाँ कान के नीचे पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ये चीक पे पाई जाती है, जबकि सही बात यह है कि ये कान के नीचे पाई जाती है। फिगर भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, चीक पे पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड की खास बात है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। सबसे तीनों में सबसे बड़ी साइज की जो ग्लैंड है वो पैरोटिड ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड तीनों में सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगर इसकी बात की जाए इसकी डक्ट की नाम, तो इसकी जो डक्ट है जिससे सिक्रीशन हो रहा है, इस डक्ट का नाम एक्सटेंशन डक्ट है। और ये पूरे सलाइवा का मात्र 25% सिक्रीट करती है, पूरे सलाइवा का। दूसरे जो ग्लैंड है, मतलब जो दूसरा नाम है, अगर आप उसका नाम देखें, उसका नाम है सब मैगजिलरी, ये सब मैगजिलरी नाम है, या इसी का नाम सब मैंडिबुलर है, दो नाम है, सब मैगजिलरी है या इसी का नाम सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, दो अलग अलग नाम है। लोकेशन अगर देखा जाए, लोकेशन देखा जाए तो ये पड़ी हुई है लोअर जा में, लोअर जा में पड़ी हुई है, लेकिन सही बात ये होती है कि अपर एंड लोअर जा के जंक्शन पे होती है सब मैगजिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और इसकी डक्ट का नाम देखा जाए, इसकी डक्ट का नाम वाटसन्स डक्ट है, ये देखिए वाटसन्स डक्ट है इसकी। ये पूरे बॉडी की सबसे बड़ी डक्ट है, लार्जेस्ट डक्ट है, ये सबसे बॉडी की सबसे बड़ी डक्ट वाटसन डक्ट होती है। ये इसकी ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी डस्ट है। ये पूरे सलाइवा का मैक्सिमम सिक्रीशन 70% करती है सलाइवा का, ये दूसरी हो गई। अगर हम लोग तीसरी की बात करें, तीसरी कौन सी है, तो तीसरी जो है उसका नाम अगर आप देखें तो तीसरी जो है उसका नाम सब लिंगुअल है, ये देखिए सब लिंगुअल ग्लैंड है। ये बिलो टंग है, बिलो टंग है मतलब जीभ के नीचे पाई जाती है, बिलो टंग है। और अगर इसकी और बात करें, इसकी जो डक्ट है जिससे सिक्रीशन हो रहा है, इस डक्ट का नाम रिविनस डक्ट है, रिविनस डक्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये सलाइवरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है भाई। एंडोक्राइन ग्लैंड होती तो इससे क्या निकलता, हार्मोन्स निकलते। एक्सोक्राइन ग्लैंड है तभी इससे एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है।
अब ये सब लिंगुअल जो है तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट साइज की है, स्मॉलेस्ट साइज की है, और सौभाग्य ऐसा है कि पूरे सलाइवा का 5% सिक्रीट कर दिए। तो तीनों ग्लैंड्स के लोकेशन, तीनों की डक्ट का जिक्र हमने कर दिया हुआ है। अब आइए देखा जाए कि कंपोजिशन ऑफ सलाइवा क्या है, सलाइवा बना किसका है, उसमें क्या क्या है। तो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा आप देख लीजिए कि जो हमारी लार है उसका कंपोजिशन क्या है। ये तीनों ग्लैंड जो है रोज सिक्रीशन करती है। तो अगर आप डेली सिक्रीशन देखें सलाइवा का, तो लगभग 1.5 लीटर सलाइवा हमारे माउथ से पर डे निकलता है। मतलब तीनों ग्लैंड्स मिलके 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। दूसरा, अगर आप इसका पीएच देखें तो माउथ का पीएच कितना है, 6.8, तो सलाइवा का भी 6.8 होगा। इसका मतलब सलाइवा एसिटिक मीडियम की होती है। अगर हम लोग इसमें एंजाइम्स की बात करें, भाई इसमें कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो एंजाइम्स दो पाए जाते हैं। पहला एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ये देखिए, ये सलाइवरी एमाइलेज है। ये सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन है, शॉर्ट में इसको पटाइलिन मतलब टाइलिन कहते हैं। ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, मतलब पहला डाइजेशन स्टार्च का हमारे माउथ में सलाइवरी एमाइलेज करता है 30% एंजाइम का। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है इसका मेजर सिक्रीशन जो करती है, अगर इन तीनों ग्लैंड्स पे देखा जाए तो मेनली इसका सिक्रीशन पैरोटिड करती है। दूसरा जो इसमें एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम लाइसोजाइम है। ये देखिए, लाइसोजाइम जो होता है ये किल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये देखिए, बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो पीएच हो गया, एंजाइम्स हो गया, डेली सिक्रीशन हो गया। इसमें ढेर सारे आयंस पाए जाते हैं। अगर आप आयंस देखें तो इंसर्टिंग लिखा हुआ है, इसमें सोडियम आयन है, इसमें क्लोराइड आयन है, इसमें बाइकार्बोनेट आयन है। ये देखिए, ये सारे इसमें आयंस पाए जाते हैं। आयंस के सिवा सिवा इसमें एंटीबॉडी भी पाई जाती है। एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये सर इसमें IgA पाई जाती है। इस सलाइवा में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब बेकार प्रोडक्ट पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं, तो आप बोलिए सर इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो यूरिया पाई जाती है और दूसरी यूरिक एसिड पाई जाती है। ये देखिए, यूरिया और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल अगर आप देखें तो सलाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव मतलब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो तीन है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियास। ये तीन एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड है। सलाइवरी ग्लैंड तीन जोड़ी है, एक्सोक्राइन है। पैरोटिड ग्लैंड चीक पे है, कान के नीचे सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और इसकी डक्ट का नाम एक्सटेंशन डक्ट है जो 25% सलाइवा बनाती है। पैरोटिड से ही मेनली सलाइवरी एमाइलेज निकलता है। सब मैक्यूलर या सब मैंडिबुलर है जो 70% सलाइवा बनाती है। इसकी डक्ट को वाटसन डक्ट कहते हैं, लार्जेस्ट डक्ट होती है। सब लिंगुअल है, टंग के नीचे, इसकी डक्ट को रिबनस डक्ट कहते हैं। सबसे छोटी साइज की ग्लैंड होती है, मतलब स्मॉलेस्ट साइज की होती है, परसेंटेज भी इसका सिक्रीशन का कम है। सलाइवा को देखें तो 150 मतलब 1500 में रोज सलाइवा निकलता है, जिसका पीएच 6.8 होता है। इसे एंजाइम्स होते हैं दो निकलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। सलाइवरी एमाइलेज का मेजर सिक्रीशन पैरोटिड ग्लैंड से होता है। सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है। इसका मतलब पहला डाइजेशन माउथ में होता है किसका, स्टार्च का। स्टार्च छोड़ के प्रोटीन और फैट सीधे स्टमक में चली जाती है। जो खाना इस 6.8 वाले पीएच से मिला हुआ है उस खाने को हम लोग बोलस कहते हैं। मतलब जो खाना हम लोग निगलते हैं वो बोलस होता है, उसका नाम बोलस होता है, जिसका पीएच एसिडिक होता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेलवाल उत्पन्न करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। आयन से सोडियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम आयन है। एंटीबॉडी पाई जाती है जिसका नाम IgA है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट पाई जाती है यूरिया एंड यूरिक एसिड। इस आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सलाइवा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी है। ये बात आप देखेंगे तो ये बात जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में लिखा हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपके यहाँ पढ़ना है उसमें साफ साफ लिखा गया है, भैया देखिए जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्सक्रीटरी आर्गन भी है। ध्यान रखना इस बात का, सलाइवरी ग्लैंड इज एक्सक्रीटरी आर्गन, याद रखें इसको, समझें।